ये धरना इसलिए है क्योंकि केवल पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज करा है वो कोर्ट के आधार पे करा है, और जब इतना बिहाइंड क्राइम का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो ऐसे आदमी को, चाहे वो जनप्रतिनिधि है चाहे वो आम आदमी है, पुलिस का कर्तव्य बनता है कि उसको कस्टडी में ले। और जहाँ तक जाँच की बात है तो हमने पहले भी कहा था कि इस जाँच के अंदर शिकायतकर्ता को भी शामिल किया जाए। टीवी अखबारों के माध्यम से हमें ये पता लग रहा है कि पुलिस ने अपनी जाँच के अंदर सुमन बाला को क्लीन चिट देने की पूरी तैयारी कर ली है, जो कि एक गलत फैसला है। ये सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लग चुका है। हम ये चाहते हैं कि कोर्ट के आदेशों की पालना करी जाए, न्यायपालिका की पालना करी जाए, और सुमन बाला के ऊपर जो मुकदमा दर्ज है उसके अंदर इनको रिजाइन करवाया जाए, इस्तीफा दिवाया जाए, और पुलिस प्रशासन के जिस प्रकार के केसों के अंदर मामला बनता है, चाहे वो गिरफ्तारी का है चाहे वो कस्टडी का है, उसको जो है अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। बड़े शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के व्यक्ति हों, आम आदमी पार्टी के व्यक्ति हों या इनेलो के व्यक्ति हों, भारतीय जनता पार्टी की मेयर के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकर्ता को बचाने के लिए किसी भी पार्टी के नुमाइंदे ने अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सड़क के माध्यम से किसी भी प्रकार से हमारे आंदोलन का समर्थन नहीं करा। और मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग एक थैली के चट्टे बट्टे हैं और ये बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मामला जो है सबको मालूम है, जे अब ये जानकर भी इसमें अनजान मरेंगे तो कैसे चलेगा। इसमें जो धारा 420, 471 ये नॉन अवेलेबल धाराएं हैं, इसके अंदर इमीडिएट पुलिस को गिरफ्तार करके जब इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए इसमें। और बात आती है कि भी अगर वो मेयर फिलहाल बनी रहेंगी तो वो जो है एविडेंस वगैरह में और जो शिकायत करता है उसके साथ भी वो छेड़छाड़ कर सकती हैं, और हुई भी है और कर भी रहे हैं। हमने कई चीज़ें RDI के तहत मांगी थी, वो सारे के सारे रिकॉर्ड गायब मिल रहे हैं हमारे को। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगी, जब तक वो जो मेयर पद से नीचे नहीं आएंगी, तो वो इस तरह का फिर इन्वेस्टिगेशन की तो हम आशा कहाँ से कर सकते हैं।